ठीक जय सच्चिदानंद श्रिया, जय सच्चिदानंद दर्शन, जय सच्चिदानंद श्रिया, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद कांति दादा, जय सच्चिदानंद जतनी दादा, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद कांति दादा, 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 जय सच्चिदानंद जी, जय सच्चिदानंद जी, जय सच्चिदानंद सर्वे बालको, जय सच्चिदानंद महात्मा बाबा, जय सच्चिदानंद बोलो, जय सच्चिदानंद कांति आनंद जी, अनम्यूट कीजिए, जय सच्चिदानंद कांति दादा, जय सच्चिदानंद कांति दादा, कांति दादा त्रिमंत्र बुलाए भारत को फॉलो करेगा आपको, ओके ओके, नमो वितरागाय, नमो हरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वजायाणम, नमो वजायाणम, नमो लोए सव साहुणम, नमो लोए सव साहुणम, ऐसो पंचन मुकारो, ऐसो पंचन मुकारो, सव पावपणासनो, सव पावपणासनो, मंगलानं च सवेसिं, मंगलानं च सवेसिं, पद्मं हवै मंगलं, पद्मं हवै मंगलं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, श्रेया डेली प्रेयर बुलाइए, जय सच्चिदानंद, हे दादा भगवान आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपनी हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे ध्येय को यानी कि पढ़ने में और सत्संग में हमेशा सहायक बने, मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी, मैं बुरी सोबत से कुसुम से हमेशा दूर रहूंगी, और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी भी चुके रहे ऐसी परम कृपा करना, प्राप्त मन वचन कायक और अपने आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी जी मात्र परोपकार के लिए यूज हो, जो सबसे बड़ा मानव धर्म है, मैं हमेशा खुद के साथ और अन्य सभी लोगों के साथ के जीवन व्यवहार में विश्वास पात्र निष्ठावान शुद्ध रहूंगी, ताकि मैं बराबर दादा भगवान की जैसे उत्कृष्ट व्यक्ति को मानवी बन पाऊं, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, करिश्मा स्टडी प्रेयर बोलिए, हे दादा भगवान मुझे पढ़ने में और समझने में जो बाधाएं जो अंधाएं आते हैं जो अक्षर संसाधे हैं उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करती हूँ, आप ऐसी कृपा करेगी जिससे मेरा दर्शन ऊपर का आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो, ऐसी आप मुझे परम शक्ति दें, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, ओके दर्शन प्रेयर बुलाइए।
हे दादा भगवान, हे दादा भगवान, हम हैं आपके बच्चे, हम हैं आपके बच्चे, दिल के हैं सच्चे, दिल के हैं सच्चे, फिर भी है कच्चे, फिर भी है कच्चे, फिर भी है कच्चे, काम करेंगे अच्छे अच्छे, काम करेंगे अच्छे अच्छे, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। ओके कांति दादा, हम इन लोग का थोड़ा होमवर्क सुनेगा, बाद में बात करेंगे। ओके, तो आज सत साधन कीर्तन भक्ति और कलम वो कैसे रहा? कलम 1 2 3 4 5। ओके तस्वीर दीदी, जय सच्चिदानंद, आज मैंने कीर्तन भक्ति नहीं की है लेकिन कलम 1 4 5 फॉलो की है। किसी का हम भी नहीं दुबाया और बहुत ही रसकर भी नहीं किया और सत सदन किए। कलम 1 में क्या हुआ? किसी का हम नहीं दुबाया और नहीं दुबाया। ओके रेखा दीदी, जय सच्चिदानंद, आज मैंने सारे सत सदन किए हैं लेकिन कीर्तन भक्ति नहीं की है और सभी कलम में मैं सिंसियर रही थी आज। तो आज क्या हो गया आपका कीर्तन भक्ति में, क्या हो गया दोनों बहनों को? टाइम नहीं मिला? नहीं, मम्मी बीमार है ना, तो मम्मी बीमार है तो जा तो मम्मी बीमार है तो मम्मी के आसपास 4-5 दफा असीम जी जगह करने का ना। जी हाँ दीदी, हाँ जय सच्चिदानंद, आज मैंने सत साधन पूरे किए थे, 40 times नमस्कार विधि में 40 times भी किया था और आज 10 minutes कीर्तन भक्ति भी की थी और आज 1 2 5 में किसी का भी अहम भी नहीं दबाया और कोई भी कलम नहीं तोड़ी है। ओह वेरी गुड मोनिका दीदी, आज मैंने सत साधन एक बार किया था और कीर्तन भक्ति भी की थी, आज मैंने 1 and 4 कलम ब्रेक नहीं की पर 5th कलम ब्रेक हो गए। क्या आप बहुत अच्छे हो गए, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है? एक एक मम्मी के साथ झगड़ा नहीं होता है? अभी आज मैं सूख रही थी ना इसलिए आज प्रॉब्लम नहीं हुआ। करिश्मा, हाँ आज मैंने किसी का भी मदद नहीं किया और कल मैंने बार बोली थी 3 months मैंने 6 times करी। ओके okay, अभी वो 9 कलम 2 दफा कर रहा था सुबह शाम को। नहीं दादा, हाँ उनका मम्मी सुनीता बहन भी है ऑनलाइन। हाँ आता है भाई, आता है ना, हमको मालूम है। करिश्मा, आज क्या किया आपने? अच्छा कुछ, आज कुछ लिखा नहीं है रिपोर्ट में, आज कुछ अच्छा नहीं किया? नहीं। ओके खुशी, हाँ मैंने आज सत्साधन किए थे, कीर्तन भक्ति भी की थी, आज मैंने किसी का अहम नहीं दुबाया, अभाव तिरस्कार नहीं हुआ और मैंने सुस्त कलम को भी ब्रेक नहीं की। और आज कुछ करिश्मा से साथ कुछ नहीं हुआ? नहीं हुआ। तो करिश्मा सारा दिन क्या किया, उसमें कुछ अच्छा तो नहीं किया, क्या बुरा किया आज करिश्मा? मैंने मोनिका दीदी को परेशान किया। क्या किया? रात तक मैंने मोनिका दीदी को परेशान किया था। ओके दर्शन, सच्चिदानंद मैंने आज सत्साधन भी किया था और कीर्तन भक्ति मैंने 10 minutes की थी और फिर मीन्स कलम 1 आज ब्रोक हो गई थी। किसके साथ आपने किया था कीर्तन भक्ति? कीर्तन भक्ति मैंने अपने आप। क्यों, छोटे नहीं था? नहीं वो मींस वो उसका ऑनलाइन क्लास चल रहा था। हाय ओ, हमें आप बड़ा है तो छोटे के साथ हमेशा कर लेगा साथ में। हाँ ये तीनों चीज तो साथ में करती है। हाँ खुशी, मैंने आज सत्साधन किए हैं, कीर्तन भक्ति 10 मिनट
की है और कलम का कलम मैंने ब्रेक नहीं की है। हाँ तो दिगल दादा कंति दादा आज बहुत अच्छा दिन है। दीदी दीदी हाँ जय सच्चिदानंद, आज मेरे साथ साधन हुए लेकिन कीर्तन भक्ति छूट गए और आज मैंने किसी का अहम नहीं डूबा था, अभाव तिरस्कार भी नहीं हुआ था और कठोर भाषा भी नहीं बोली थी। छूट गई या नहीं क्या मीनिंग होता है हमको मालूम नहीं, छूट गई मीन्स गाड़ी छूट जाती है हमको मालूम है। जो टाइम टेबल वाइज था ना वो मैं मुझे करने बैठना था लेकिन मुझे मम्मी को लेने जाना पड़ा इसलिए रह गए। तो मम्मी को कैसे लेने गए थे, एरोप्लेन में गया था? नहीं नहीं वो लपका मन छा रही थी ना इसलिए मैं रास्ते में लेने गई थी। किसमें लेने गई थी? मम्मी को लेने गई थी, लपका मन से वो आ रही थी ना इसलिए। आप कैसे बाइसाइकिल में लेके गई थी आने की? हाँ एक्टिवा लेके। बाइक में गए थे? हाँ मोटर बाइक। हाँ तो बीच में टाइम नहीं मिलता है जाने का, कितना टाइम लगता है लपकामन? नहीं लपकामन नहीं बीच में लेने गई थी, वो ऑटो से आई थी और मैं बीच में लेने गई थी घर। किधर भी बीच में यार, कितना घर से कितना बीच में होता है? 20 मिनट लगती है। हाँ तो 20 मिनट में कीर्तन भक्ति नहीं हो सकती है? हाँ मतलब मैं शुद्धात्मा देखने में रही इसलिए छूट गई कीर्तन भक्ति बाहर। तो टाइम मिला तो ऐसा टाइम तो बहुत मिलता है जैसे छोड़ने का नहीं। चिड़िया हाँ। दीदी चिड़िया दीदी चिड़िया हाँ। दीदी कब से बन गई इसके लिए वो सोच में पड़ गई, मैं कहा दीदी हूँ, मैं तो अभी बहुत छोटी हूँ। वो तो अभी दीपक दादा कांति दादा दो दिन से टीवी बंद हो गया है तो इसलिए अभी दीदी बन गई। ओ आई सी। और खुशी दीदी अभी खुशी दीदी और वो तो का कुछ कंस्पिरेसी चलता है अभी तो। क्या बात है रहकर। बोलिए श्रिया दीदी। जय सच्चिदानंद, सत्साधन किया है एक बार मैं सोते पहले कर चुकी, कीर्तन भक्ति नहीं किया है पर सब कलम मैंने फॉलो किया है। और आज एक 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 घंटा टीवी नहीं देखा तो क्या किया आपने और खुशी ने? मैंने पापा के साथ खेला था और सत्संग क्लिप की एक नोट सुना। ओके कश्यप भाई, कश्यप भाई आर यू ऑनलाइन? ओके ओके दीपक दादा आपको कुछ बोलने का है बाद में कांति दादा को बोलेंगे। ये सभी बच्चों को महात्माओं को खास याद दिलाना है कि आज 23rd एंड 24th हम कविराज श्री की पुण्यतिथि सेलिब्रेट कर रहे हैं और यहाँ बम्बई में और अहमदाबाद में, और सारे दिन बड़ा अच्छा सत्संग रहा, ग्रुप वाइज सत्संग था यहाँ पर और बहुत बढ़िया रहा, हमारे लिए भी अच्छा रहा, महात्माओं के लिए भी बहुत अच्छा रहा। कल भी है और कल शाम को 5:30 से 6:30 कॉमन सत्संग कविराज के पद पर होने वाला है, सारे दिन ग्रुप वाइज सत्संग है। वेरी गुड। ओ मोनिका दीदी और कविराज कौन है, किसकी बात करते हैं मालूम है आपको? खुशी जो ब्रद लिखते हैं हर एक गीत में वही आते हैं। ओ दीदी आपको मालूम है कौन कविराज है? हाँ क्या मालूम है? जो सारे पद हम सुनते हैं या गाते हैं वो उन्होंने लिखे हैं। आपने सुना है पदो? हाँ आपका कौन सा फेवरेट पद है? बहुत सारे फेवरेट है। ओके कल जो कोई आने वाला है आई होप एवरीबॉडी कम, एक दो लाइन कविराज का पद और होमवर्क आपका अब सिंग करने का। ओके वेरी गुड डजंट मैटर, एक दो लाइन कैसे भी आप बोलो पढ़ो करके अच्छा रहेगा, लिख के पढ़ सकते हैं आप। दीपक दादा यस, जो त्रिमंत्र है वो भी कविराज ने लिखा है ना?
नहीं वो दादाजी दादाजी ने दिया था, कविराज ने ट्यून में गाया है, हाँ। राग में गाया है, लिखा तो दादा भगवान ने ही दिया है। दरअसल हमने बोला कि पद सिंग करने का ओके, और तीन त्रिमत नहीं चलेगा, ये तो आप हम बोलते हैं बोल देता। और मोनिका दीदी और किसी दीदी हिंदी में है पद ओके, बोल दे हिंदी में भी पद है तो वो कल सिंग करने का ओके। कांति दादा आप बोलिए, थोड़ी बात करिए कि कवि कविराज अपना क्या था, वो भी थोड़ा बच्चों को बताओ और आपका कुछ इंटरेक्शन कविराज के साथ बताओ। कविराज नवनीत संघवी, दादा भगवान का जो भी सत्संग होता था प्रश्नोत्तरी के रूप में, दादा भगवान का सत्संग आम तौर पर होता था तो जो भी सत्संग की बातें दादाजी करते थे वो सभी बातों को वो अपने पद के अंदर लिख देते थे। वैसे तो दादा भगवान की कृपा से ही वो लिखते थे, वो कभी पद में क्या लिखा है उसका क्या अर्थ है वो ज्यादातर समझाते नहीं थे, मगर दादा भगवान की कृपा से पद लिख देते थे और इतने सुंदर पद लिखे हुए हैं, मेरे ख्याल से करीब 1500 से 1600 पद की रचना उन्होंने की है। फिर सिमंदर स्वामी परमात्मा की आरती, दादा भगवान की आरती, दादा भगवान दीवो, फिर योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की आरती, शिव की आरती, फिर माँ पद्मावती देवी की आरती, फिर साईं बाबा की आरती, ऐसी बहुत सी आरती उन्होंने लिखी है और बहुत अच्छी तरह हम सभी लोग उसको जब सत्संग में गाते हैं बड़े भाव से गाते हैं। इंग्लिश में भी उन्होंने पद की रचना की है, हिंदी में भी बहुत से पद की रचना हुई है, गुजराती में तो है ही, कच्ची भाषा में भी है, सिंधी भाषा में भी है, मराठी में। तो एक कविराज ये भी एक आश्चर्य है, जैसे दादा भगवान का ज्ञान 11वां आश्चर्य है, ठीक उसी प्रकार कविराज पद लिखते हैं, खुद गाते हैं, खुद म्यूजिक बजाते हैं, वो पदों को कंपोज भी वो खुद करते हैं और बहुत से स्टूडियो में भी उनका रिकॉर्डिंग हुआ है और बहुत सी कैसेट पेन ड्राइव सब रिकॉर्डिंग करके आज सभी महात्मा भी उनका लाभ ले रहे हैं। कविराज के पद और दादा भगवान असीम जय जयकार हो, यह भक्ति एक ऐसी भक्ति है जो हमारे चित्त को शुद्ध करती है, प्योर करती है और एक सत्संग में भी एक जीवंतता, एक पद गाने से ही उसका एक वातावरण बन जाता है और ये
बहुत लिखा है तीर्थंकर भगवंतों के पर, ज्ञानी पुरुष पर, महात्माओं पर, दादा भगवान पर, आप्त पुत्रों पर, सब तरह तरह के। हाँ, और सबसे बड़ी बात क्या है, एक बी पद की जो रचना है वो फिल्मी डब पर नहीं है, फिल्मी लाइन पर नहीं है, और हरेक पद की जो गाते हैं वो हरेक पद का जो राग है वो बहुत डिफरेंट होता है। और सबसे पहले मैं पदों से प्रभावित हुआ हूं, और उनका पद सुनना एक मेरे लिए एक बहुत बड़ी आनंद की बात है। फिर सत्संग में आया, मैं पद से मैं बहुत प्रभावित हुआ हूं, और वैसे बहुत से प्रसंग कविराज के साथ भी हुए हैं, कभी कभी बताते रहेंगे, आज तो इतना काफी है मेरे ख्याल से। हाँ, और कोई बात पूछना चाहते हैं बच्चे लोग? रजनी दादा डिस्कनेक्ट हो गए थे, अब फिर से ज्वाइन हुए हैं। रजनी सी आईएसएस काम। यस, रजनी दादा म्यूट। बच्चों को किसी को कोई सवाल है? Got disconnected again. ओके, मोनिका खुशी, किसका सवाल है? करिश्मा का। के करिश्मा बेटे बोलो। हाँ, जय सच्चिदानंद कांति दादा। जय सच्चिदानंद बेटे। मेरा ये क्वेश्चन था कि कभी भी मैं सुबह ऑनलाइन करती हूँ तो मैं बीचों बीच जाकर देखती हूँ कुछ भी, चलो फोन देखती हूँ, मैं ऑनलाइन कभी भी करती हूँ तो क्या करूँ? क्या मैं कभी भी सुबह ऑनलाइन करती हूँ तो मैं फोन देखती हूँ क्या बीचों बीच बंद करके फोन देखने जाती हूँ मैं सुबह उठते ही? सुबह उठते हैं। हाँ हाँ, इतनी जल्दी क्या होता है देखने का? मैं लेट उठती हूँ इसलिए ऑनलाइन में लेट हो जाता है। अच्छा अच्छा, मैं प्रश्न ठीक से समझा नहीं तेरा, क्या प्रश्न क्या है? वो जब भी ऑनलाइन करती है तब वो ऑनलाइन छोड़कर फोन बंद कर उसमें जाकर गेम्स खेलने लग जाती है, तो उसके लिए वो क्या? ये तो चीटिंग है, सेल्फ चीटिंग बोलते हैं उसे। आजकल तेरे जैसे सभी बच्चों की यही आदत है, पढ़ाई करने बैठते हैं या कुछ ऑनलाइन सीखने को बैठते हैं तो कब गेम में चले जाते हैं पता नहीं है ना? हाँ, वो नहीं सिंसियर रहना है, जब पढ़ाई का टाइम है तो वो पढ़ाई में सिंसियर रहना है, सत्संग का टाइम है तो सत्संग के टाइम में भी सिंसियर रहना है, और गेम खेलना है तो उस वक्त सिर्फ गेम खेल लेने का, ठीक है, मगर ऐसा चीटिंग नहीं करने का। हाँ,
समझ में आता है क्योंकि हाँ। वो छुप के करना पड़ता है ना, कोई देख ना ले। हाँ। तो डर लगता है। हाँ लगता है, गेम्स नहीं खेलेंगे, एक निश्चय करती हूँ तो वो टूट जाता है कि चलो अभी ये क्या निश्चय करने का, देख लेंगे। ये पढ़ने के टाइम पर, सत्संग के टाइम पर ऐसा नहीं करना है। गेम खेलना है तो आराम से उसका थोड़ा सा वक्त निकाल के आराम से खेल लेने का, ठीक है। मगर वो पढ़ाई है तो वो है तो उसमें रहना है, समझे। आपको कैसा लगता है? हाँ? अच्छा लगता है, अच्छा लगता है ना। हाँ, आपने क्वेश्चन पूछा, यही बहुत बड़ी बात है, समझे। नहीं तो कोई पूछेंगे नहीं ऐसा, क्योंकि अपनी वीकनेस कौन बताएंगे। बहुत शक्तिशाली जो होते हैं वो अपनी वीकनेस बताते हैं। मेरी वीकनेस तो सिर्फ ये दीदी बताती है, खुशी दीदी। दीदी बताती है ना, तो उनको थैंक्स बोलने का, दीदी को थैंक्स बोलने का, क्या बोलने का? थैंक्स, पर कभी बोलती नहीं हूँ मैं। हाँ, डांटने का नहीं। क्यों कहती हो? तुम तो फोन देखती हो, जो मैं कभी कहती नहीं, तो मुझे क्यों कहती हो? और कोई दूसरा प्रश्न है तो भी पूछ सकते हैं। हाँ? कंटी दादा, कविनाथी का पद है ना, छिप छिप के जो काम किए, अरे वाह वाह वाह, वहीं अच्छा। पे डर है गलत जिए हो, जगत विषय में लोलुप लोलुप दी, तत्व अलौकिक सार। ये एक प्रश्न उठा था कि कविराज श्री का जो ये पद उन्होंने जो लिखा है वो किस तरह से उन्होंने दादाजी के सत्संग को अपने पदों में डाल दिया है, इसके बारे में जरा बताएंगे। हाँ, ऐसे ही उनको स्फुरणा हो जाती थी, ऐसे ही हो जाती थी। कोई एक शब्द भी अगर सुनते हैं तो उनके अंदर वो पद लिखने की स्फुरणा, वो कभी बस में बैठे हैं तो बस का जो टिकट है उसके पीछे भी लिख देते हैं, कभी पान की दुकान पर खड़े हैं तो कुछ स्फुरा, तो वो जो सिगरेट का बॉक्स है उस पर भी लिख देते थे। उनको एक नेचुरली स्फुरणा हो जाती थी, जैसे कि किसी ने कविराज को फोन किया कि दादाजी बंबई में आ गए हैं, फोन रख दिया, फिर तुरंत उनको ऐसी स्फुरणा होती थी, लागे छे दादा आवी गया छे, जड़ने चेतन छाटी गया छे, लागे छे दादा आवी गया छे। तो एक ऐसा फोन आने से उनको पूरा पद की स्फुरणा हो जाती थी। ये बहुत बड़ी कृपा है। कविराज खुद कहते हैं कि कलम पर दादाजी बैठकर हमें लिखवाते थे, हमारी कोई ऐसी शक्ति नहीं है कि हम लिख सके। ये एक बहुत बड़ा आश्चर्य है। बराबर है, यही सच्चिदानंद। ओके, दर्शन बताएं। दर्शन, हाँ जय सच्चिदानंद, मेरा क्वेश्चन है। हाँ बोलिए। हाँ, मेरा ये क्वेश्चन था कि मीन्स ज्ञान बुद्धि में क्या होता है।
अभी कितने साल की उम्र है तेरी बेटे? 11 years. 11 years. वेरी गुड क्वेश्चन. ज्ञान विधि में मन वचन काया और मैं शुद्धात्मा हूं, इसका सेपरेशन हो जाता है ज्ञानी पुरुष की कृपा से. फिर हम शुद्धात्मा में रहकर हम हमारी वीकनेस को देख सकते हैं, और जैसे ही वीकनेस को हम देखते हैं तो उसके प्रति हम जागृत हो जाते हैं, कॉन्शियस हो जाते हैं, और ऐसी गलती फिर कभी भी ना हो, ऐसा एक मनोमन दृढ़ निश्चय हो जाता है. तो मीन्स हम शुद्धात्मा में कैसे रह सकते हैं? वो तो जब आपको ज्ञान विधि की प्राप्ति होगी, समर्पण विधि की प्राप्ति होगी, तो आपको अनुभव हो जाएगा. तेरा नाम क्या है बेटे? दर्शन. हाँ, तो अभी मैं दर्शन हूं, तो वो दर्शन में किस तरह रहता है? तो मतलब तेरा नाम मैं दर्शन हूं ना. हाँ. उसको याद रखना पड़ता है? हाँ. नहीं, नाम को याद रखना पड़ता है? नहीं. ये रहता ही है? नहीं, वो अपने आप रहता है. अपने आप ही रहता है, और उसको रटना भी नहीं पड़ता है कि मैं दर्शन हूं, मैं दर्शन हूं, मैं दर्शन हूं. ना ही हम उसको याद रखने की कोशिश करते हैं, ना ही हम इसको भूल गए हैं. ठीक है? हाँ. हाँ, जैसे मैं दर्शन हूं, ये इतना सहज हो गया है कि वो लक्ष्य में रहता ही है, उसके लिए हमें कुछ करना नहीं पड़ता है. ठीक उसी तरह, ठीक उसी तरह जब मैं शुद्धात्मा हूं, ऐसा लक्ष्य ज्ञानी पुरुष की कृपा से बैठ जाता है, तो वो लक्ष्य भी अपने आप रहता है, उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता है, उसको याद भी नहीं रखना पड़ता है, उसको रटना भी नहीं होता है, ऐसा है. हाँ, तो मीन्स मुझे ऐसा बोलना है कि मैं दर्शन नहीं हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ. अभी से नहीं हो सकता है तो? समझे? बोलने से नहीं होता है ये, समझे? क्योंकि उसका जो रूट कॉज है वो मैं दर्शन हूँ वही है, समझे? हाँ. तो जब फाउंडेशन ही गलत है, तो उसके ऊपर जो हम बिल्डिंग बनाएंगे तो कितने वक्त टिकेगी वो? बहुत ज्यादा लगेगा. नहीं टिकेगी, समझे? क्योंकि हाँ. मैं दर्शन हूं ये रॉन्ग बिलीफ के ऊपर मैं शुद्धात्मा हूं ऐसा नहीं हो सकता है, बोलने से नहीं होता है. ठीक है? हाँ. ये ज्ञानी पुरुष का, उनकी ज्ञान विधि का प्रयोग है. हाँ. वैसे तो सब दुनिया में जानते ही है मैं आत्मा हूं, नहीं जानते हैं? हाँ. हाँ, मगर वो मैं आत्मा हूं वो रहता नहीं है. ठीक है? हाँ. इसीलिए ज्ञान विधि का प्रयोग से ही होता है. जब तू 11वीं या 12वीं कक्षा में जब आ जाएगा, तब ये समर्पण विधि का योग आपको होगा, तो ये बात अनुभव में आ जाएगी. हाँ, हाँ, तो मीन्स मैं 11वीं या 12वीं
कक्षा में आ जाऊंगा तो तब वो मुझे अपने आप हो जाएगा। वो अपने आप नहीं, ये ज्ञान विधि के प्रयोग में बैठना पड़ता है, मतलब मुझे ज्ञान लेना पड़ेगा। हाँ ज्ञान लेना पड़ेगा, उसके अलावा नहीं होता, बोलने से नहीं होता है। आज हाँ। अगर तू बोलता है कि मैं शुद्धात्मा हूं तो ये बोलने से नहीं होता है, ये ज्ञानी हाँ। पुरुष का बहुत बड़ा प्रयोग है। हाँ। जैसे हमारे बॉडी का ऑपरेशन कौन कर सकता है? डॉक्टर। हम खुद नहीं कर सकते? नहीं। क्यों? क्योंकि हमें वो नहीं आता है। हाँ तो ठीक उसी प्रकार ये ज्ञान विधि का जो ये दादा भगवान का प्रयोग है, और ये दादा भगवान के प्रयोग आज आप्त पुत्र लोग निमित भाव से कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत मैच्योरिटी भी होना चाहिए ना। हाँ। जैसे आज तेरे को 10 लाख रुपया कोई दे दे तो तू क्या करेगा? मीन्स उसके यूज करूंगा। क्या यूज करेगा? मतलब नहीं, ये तेरी उम्र छोटी है इसलिए इतनी बड़ी रकम तू संभाल नहीं पाएगा। हाँ कांटी दादा। हाँ जी। अभी उनको कॉलेज में जा सकता है ना? अभी बारहवीं के बाद ही जा सकता है। अभी नहीं जा सकता। कॉलेज में जा सकते हो अभी आप दर्शन? नहीं। तो कब जा सकते हो? 12th के बाद। वेरी गुड क्वेश्चन स्वामी जी। फाइन। हाँ fine. क्योंकि दादाजी भी बता रहे। और 12th कक्षा में जब होंगे तो कितना साल होगा आपका? 18 to 19 years. Correct. Yes, yes. अभी बताइए कांटी दादाजी। नहीं नहीं बहुत अच्छा। फाइन। उनका विकल्प था चला गया। हाँ तो जब कनु दादा थे तब मैंने उनके आशीर्वाद लिए थे, जब वडोदरा उनकी ज्ञान निधि थी ना तब। ये तो बहुत अच्छी बात है, उनका आशीर्वाद आपको मिल गया तो ज्ञान का संयोग भी हो जाएगा। हाँ 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 ओके दर्शन। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। खुशी विधि कोई प्रश्न था ना? हाथ ऊंचा किया था ना? नो ओके फाइन। जय सच्चिदानंद। अब बच्चों कल का होमवर्क में जो ऐड करने को बताया था वो कर दीजिएगा। कविराज जी के पद के बारे में लाइन आपको याद करना है, जो हो सके जो 2 लाइन भी आप बोल सकेंगे बड़ा अच्छा रहेगा। आज और कल उनकी पुण्यतिथि का महोत्सव मना रहे हैं तो जरूर से आप अपना योगदान देना। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद दीपक दादा। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। एक मिनट आज का ब्रीफ कौन करेगा सत्संग का? क्या आपको जिस्ट ऑफ द सत्संग? ओके श्रिया बेटे बोलो, अनम्यूट करो। हाँ पहले बोला था कि जो भी दादा भगवान उनके सत्संग में बोलते थे और तो सब वो कविराज दादा वो पद में डालते थे, और इंग्लिश में भी थे, बहुत सारी भाषाओं में भी थे, सब इंस्ट्रूमेंट्स और गाना सब खुद ही करते थे, और जो बस टिकट भी था उसके ऊपर भी लिखते थे पद, सबके ऊपर लिखते थे। हाँ। तो क्या जानना है बेटे तेरे को? नहीं नहीं कांति दादा, वो आज क्या सत्संग हुआ ना उसका ब्रीफ बताते, मेन पॉइंट्स।
अच्छा 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 रिकैप करते तो लोग सबको याद रहता है, फिर किसी को ऐड करना है इसके ऊपर, किसी को ऐड करना है? ओके मोनिका बेटे बोलो। जो भी सत्संग उसे चित्त की और जो भी कविराज ने पद लिखा था उसमें कोई नो फिल्म डबिंग बिल्कुल नहीं थी, सारे राग डिफरेंट थे। हाँ दरअसल तारा क्वेश्चन छे ना मारा खाली એટલે લાઈન એડ કરવી છે। અચ્છા અચ્છા કન્ક્લુઝન બોલો બોલો। हाँ और कविराज बस की टिकट थी उसके पीछे भी उनके पद लिखते थे, और जो वो पान के गले पे जाते थे तो वहां पर जो बीड़ी का बॉक्स होता है उनके पीछे भी लिखते थे, और जब दादा भगवान मीन्स मुंबई आए थे तब किसी का कॉल आया कविराज को, और कविराज को मीन्स अनुभव होने लगा और वो उनके मीन्स अपना अपने पद आ गए, पद गाने लगे वो, और वो पद था लागे छे दादा आवी गया। वेरी गुड। हेलो जय सच्चिदानंद सुनाई देता है? ओके बच्चों जय सच्चिदानंद कल मिलेंगे, डू द होमवर्क। जय सच्चिदानंद दीपक दादा, जय सच्चिदानंद कांति दादा, जय सच्चिदानंद। ओके आज हिंदी वाला सत्संग है तो किसी को प्रश्न है तो बताइए। ओके विधि खुशी बोलिए। ओके ओके वन मिनट ओके। जय सच्चिदानंद कांति दादा, जय सच्चिदानंद दीपक दादा, जय सच्चिदानंद। हाँ अभी आपने जो बताया ना दर्शक को कि हम जब वो ज्ञान विधि में बैठते हैं तो हमें हमारी वीकनेस दिखाई देती है और हमने जो मतलब मिस्टेक्स की है वो दिखाई देती है, तो फिर हमें क्या निश्चय करने का, ये दिखाई देता है तो फिर ऐसा नहीं करने का वो तो करने का, लेकिन वो मतलब रिलेटिव और रियल को सेट करके कैसे निश्चय करने का? तेरी ज्ञान विधि हुई है? हाँ हुई है, दो बार मैंने ली है। अच्छा 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 तो पांच आज्ञा जो है वो पांच आज्ञा को हमें धीरे धीरे उसको समझने का है। हाँ। क्या करने का है? दिरे उसको दिरे समझने दिरे। का है और आज्ञा में ही रहना है, ऐसे शक्ति मांगने की है। हाँ ठीक है। हाँ मतलब वो आज्ञा में नहीं रह पाते, वो भी एक वीकनेस ही है ना हमारी। नहीं रह पाते है वो वीकनेस है ही, मगर हाँ। हमारा जो भीतर का ओपिनियन जो है अपना, वो आज्ञा में ही रहना, वो दृढ़ निश्चय करना है। हाँ। समझे? हाँ। बस हमारा पुरुषार्थ सिर्फ इतना ही है। आज्ञा ये कोई क्रिया नहीं है। हाँ ये दृष्टि है। क्या है? दृष्टि है। दृष्टि है तो वो जब समझ में आता है तो उसका प्रयोग अपने आप होता है। हाँ राइट। सॉरी बोलो विधि।
बोलिए आप। मैं बता रहा था कि एक एग्जांपल दो कि मम्मी को देखा तो आज्ञा कैसे काम करती है। कांतियानंद जी। हाँ जी। वो मम्मी को सुबह में उठे और देखा तो फिर आज्ञा कैसे काम करती है या कैसे आज्ञा का उपयोग करना है। हाँ तो पहले जैसे ही मम्मी को आपने देखा तो हाथ जोड़ के जय सच्चिदानंद करना है। अब जब हम जय सच्चिदानंद करते हैं इसका मतलब क्या है कि मम्मी के अंदर जो शुद्धात्मा है उनका हम दर्शन करते हैं। हाँ। और ये चमड़े की आंख जो है वो मम्मी देखेगी। हाँ। ठीक है, मम्मी दिखाई देगी ना। हाँ, मम्मी है इस तरह। हाँ। तो ये दोनों आज्ञा साथ में अप्लाई करना है। रिलेटिव व्यू पॉइंट से मम्मी है, रियल व्यू पॉइंट से शुद्धात्मा है। समझे। और अगर मम्मी तेरे को कुछ कह रही है तो फिर फाइल का संभाव से निपटारा। समझे। वो तय करने का है, फाइल का संभाव से निपटारा कोई क्रिया नहीं है। क्रिया नहीं है, हमने भीतर तय किया कि फाइल का संभाव से निपटारा मतलब हम आज्ञा में आ गए। फिर मम्मी के साथ जो भी व्यवहार हुआ, जो भी वर्तन हुआ वो व्यवस्थित बस। वो गांधी दादा, लेकिन मम्मी का सुना नहीं, मम्मी को सामने जवाब दिया और मम्मी का अहम दुभाया तो वो भी व्यवस्थित है ना। नहीं 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 नहीं, वो बताता हूँ मैं, स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। हाँ सॉरी सॉरी, हमने आपको इंटरप्ट किया। नहीं 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 नहीं, हमारे मन वचन काया से जब कोई भी जीव को दुख पहुंचता है, आपने ठीक से मम्मी क्या कह रही है वो ध्यान नहीं दिया तो उसके अहम को भी चोट लगेगी। समझे। तो या आपने कुछ सामने ऐसा कुछ बोल दिया तो तेरे को भी पता चलेगा कि ये मम्मी को अच्छा नहीं लगा। पता चलता है ना। हाँ चलता है, चलेगा ही, हमारे अंदर शुद्धात्मा है, सब पता चलता है। समझे। तो वो प्रतिक्रमण करके क्षमा मांगने की है। बराबर। ठीक है। हाँ। जब तेरी कोई नहीं सुनता है तो तेरे को कैसा लगता है। हाँ, गुस्सा आता है कि सुन क्यों नहीं रहे वो मेरी। हाँ, एक बार मम्मी को आवाज लगाई, दूसरी बार लगाई, तीसरी बार लगाई, मम्मी ने जवाब नहीं दिया तो क्या होता है तेरे को। मेरे को गुस्सा आता है कि क्यों सुन नहीं रहे। तो ठीक उसी प्रकार जब मम्मी की कोई बात, कोई काम हम सुनते नहीं है, समझे। हाँ। तो उनको भी आएगा। हाँ बराबर। हाँ, उस टाइम पे हमें हमारी भूल भी देखनी है और फाइल का संभाव से निकाल भी करना है। हाँ हाँ बराबर। मतलब जो हमें मतलब आज्ञा में रहने का निश्चय करना है वो क्रिया नहीं है। हाँ हाँ बस बस, निश्चय करेंगे तो अपने आप होगा, अपने आप ही होगा। हाँ बराबर। वो कांडी दादा ये ऐसा करके बताया ना कि निश्चय किया है तो क्रिया की भूल दिखाई देगी। हाँ हाँ बराबर है, बराबर है स्वामी जी। समझ गए। हाँ समझ गए। हाँ तो ऐसा रिसर्च करते रहना और अपना कंक्लूजन वो किताब में लिखते रहना। हाँ, तो बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, और फिर किसी भी आप तो पुत्रों को बता देना तो अगर उसमें कुछ सुधारना वगैरह है तो वो बता देंगे, वो बहुत अच्छा रहेगा। हाँ ठीक
जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, गीता बहन, जय सच्चिदानंद, दीपक आनंद जी साहेब, जय सच्चिदानंद, कांति आनंद जी साहेब, कांति आनंद, हाँ जी, आज सवारे आपनो सत्संग हतो ने तो एक बात निकली हती के व्यवहार मा जोवा जाणवा पणु ना होय परंतु व्यवहार मा केन्द्र मा एवुं राखवानुं के मानवुं मनावुं छे, मानवुं मनावुं होय एम के व्यवहार मा जोवा जाणवा पणु ना होय એ એમાં થોડો પ્રકાશ આપો ને સાહેબ. એટલે આજે આજે મારો સત્સંગ તો ના વાત કરતા હતા જયમેશ આનંદજી સાહેબ આ વ્યવહાર ઉપર કે વ્યવહારમાં જોવા જાણવા પણ ના હોય પરંતુ વ્યવહારમાં કેન્દ્રમાં રાખવાનું કે આને માનવું મનાવવું છે વ્યવહારમાં એ કેન્દ્રમાં રાખવાનું ના એવું નથી એવું નથી એવું નથી મારું બીજી કોઈ વ્યક્તિ માને એવું આપણે અંદર ના હોવું જોઈએ દાદા ભગવાન કોઈ પણ વાત મનાવવા માટે નથી કરતા સમજાવવા માટે કરે છે મનાવવા માટે એટલે દાદા ભગવાન શું કહે છે કે અમે ક્યારે અમારી લાઈફમાં કોઈને એવું કહ્યું નથી કે તું મારું કયું માન ના તમારે સમજવું હોય તમારે સમજવું હોય તો વાત કરવું એમ મનાવવા માટે વાત નથી કરવાની એમ અને એ માનવું એના હાથમાં પણ નથી એટલે આખી વાત આ આ આ લક્ષમાં હતું તો એટલે જે વ્યવહારમાં એટલે આપણી પહેલી આજ્ઞા રિલેટિવ થી બરોબર સાહેબ તો એ રિલેટિવ થી તો એમાં આપણે પેલી આપણે કહે છે ને જ્ઞેયો ને જુઓ ને જાણો જુઓ ને જાણો તો એવું વ્યવહારમાં ના હોય ને વ્યવહારમાં તો ખાલી એનો સંભાવે જ નિકાલ કરવા બીજું કઈ કશું હોય નહીં એ વ્યવહારને જ જોવા જાણવાનો છે હા હિન્દી ભી પ્લીઝ અચ્છા અચ્છા સોરી એ હા હા એ હે વ્યવહાર મે વોહી દેખને કા હે હા મગર વો कहने के पीछे वो मैं जो कह रहा हूं वो मान ले ऐसा हमारे भीतर नहीं होना चाहिए ना व्यवहार में तो एक दूसरे को साथ में रहते हैं तो कहना पड़ेगा हमें सुनना पड़ेगा मगर मैं कह रहा हूं वो मान ले ऐसा नहीं होना चाहिए પણ એના એપડે એ કેન્દ્રમાં એવું હોય ને કે આ વાત આપણી માની જશે તો ફાઇલનો સંભાવે નિકાલ થઈ જશે હોય એ તો માને ના માને તોય ફાઇલનો નહીં માનેગા તો ભી ફાઇલ કા સંભાવ સે નિપટારા હો જાયેગા માનેગા તો ભી નિપટારા હો જાયેગા હા સમજે હમારી બાત કોઈ માન લે તો હી સંભાવ સે નિપટારા હુઆ એસા નહીં હૈ हमने एक बार कह दिया हाँ, तो बस वो हमारा व्यवहार पूरा हो गया हाँ, फिर मानना नहीं मानना वो उस पर छोड़ना है नहीं तो क्या हो जाएगा धीरे धीरे आग्रह बढ़ जाएगा हमारा करेक्ट और वो बात नहीं मानता है तो उसका हमें दुख होगा फिर आग्रह होएगा मनाने का फिर बार बार हम उसके पीछे पड़ जाएंगे समझाने के लिए एग्जैक्ट
इसीलिए ज्ञानी पुरुष की कोई बात उसकी पुनरोक्ति नहीं होती है, रिपीटेशन नहीं होता है, ना। एक बार कहा हमारी समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो फिर अपना जो संयोग है, हमारे जीवन में जब संयोग आएंगे तब वो बात अनुभव में आएगी। करेक्ट 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 कंटिन्यूड। हाँ जी बोलो साहब। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ जी, उसमें कंटिन्यूड एक सत्संग था एमएस कांति आनंद जी साहब के। हाँ जी। केवल केवल आत्मा माटे के सत्संग माटे कितला आवे छे, अने ये रीते आवे केवल आत्मा ने सत्संग माटे, तो एना मा निर्भयता निरालंबता आवे छे, इतले के एनो एनो ध्येय खाली केवल आत्मा ने सत्संग माटे ज आवे छे, एवी एक वात थई थी। तो एमा थोड़ो को आपो ने प्रकाश है। एटले इसमें कैसा है, हम जो भी कर रहे हैं उसके पीछे हमारा क्या हेतु है जी। हाँ जी। हाँ। वो अगर हमारे समझ में आएगा तो फाइल नंबर एक को हम अच्छी तरह से जान सकेंगे। हाँ, करेक्ट। सत्संग ये मीटिंग पॉइंट नहीं है। नहीं समझे। हाँ। जैसे इधर सत्संग है तो फिर वो आएंगे, वो हाँ। भी रिश्तेदार आएंगे तो उनसे मिलेंगे, थोड़ी बैठेंगे, ऐसा हाँ। नहीं। अपने आत्म हेतु के लिए ही सत्संग होना चाहिए। हाँ, हाँ, और कोई लक्ष्य नहीं होना चाहिए। हाँ, हाँ, क्योंकि हम जो भी कर रहे हैं वो हमारे हाँ, खुद के लिए कर रहे हैं, दूसरों को दिखाने के लिए नहीं करते हैं। हाँ, एक करेक्ट करेक्ट करेक्ट। हाँ, 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 और कोई आया है नहीं आया है तो उसका संयोग है। हाँ, जी। कोई आता है तो ही हम जाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। भी नहीं, बरोबर, करेक्ट। हमें तो सिर्फ इतना ही देखना है कि आज अनुकूलता है तो जाना है, बस कल पर नहीं छोड़ना है। हाँ, करेक्ट। आज का सोचने का, आज का ही सोचने कि अभी कोई फाइल नहीं है तो सत्संग में जाए बस। करेक्ट। कल जाएंगे ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। हाँ, और हमारे लिए जाने का है ना। हाँ, हमारे लिए, खुद के लिए। हाँ, आत्मा को ऊर्ध्वगति नहीं, अभी तो ये निमंत्रक है तो जाना ही पड़ेगा। कभी ऐसा होता है तो निमंत्रक के लिए जाते हैं हम। हाँ, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। हम सत्संग में दादा भगवान की आज्ञा को समझने, दादा भगवान की भक्ति करने, ज्ञानी पुरुष के गुणगान करने और एक दूसरे महात्माओं के अनुभव को जानने के लिए जाना है। करेक्ट, एकदम करेक्ट, करेक्ट बात। हाँ, करेक्ट छे, करेक्ट। और कभी कभी तो हमें सामने से फोन करने का कि भाई आज कोई प्रोग्राम है या नहीं है। अपने महात्मा लोग तो अच्छे हैं, सब सामने से अपने को फोन करते हैं कि भाई इधर आओ, सत्संग है, मैसेज भेजते हैं। हाँ जी। हाँ, तो कभी कभी हमारी भी जिम्मेदारी बन जाती है, हमें भी सामने से पूछना है। करेक्ट करेक्ट। कि भाई कोई सत्संग को हो, कोई आप्त पुत्र आए हैं तो हमें बताना। कांतियानंद जी। हाँ जी। गीता बेन बम्बई में आज सत्संग में नहीं आ पाए।
वो तो बराबर है, ये उनके एक संयोग की बात है। नहीं मतलब संयोग की बात है, ये तो एक सामान्य बताते ये। नहीं मगर ऐसा इसलिए मैं बता रहा हूं ना कि जब अप्तपुत्रों का हाजरी है, इतना बड़ा प्रोग्राम बंबई में ही हो रहा है तो उसका लाभ लेना है, मेरा कहने का तात्पर्य इतना है। लेकिन वो ऑपरेशन किया ना डॉक्टर साहब ने 6 महीने निकलने का मना कर दिया, सर्जरी हुआ है, नो एक्सप्लेनेशन, ये तो ऐसे ही जनरली बात। नहीं नहीं तो भी अपने खुला कर दिया तो अच्छा है कि अभी 6 महीने तक हम समझ सकते हैं। हाँ, नहीं तो मैं तो पहली पहुंच जाती, पहली पहुंच जाती। इसीलिए अक्रम विज्ञान में एक्सप्लेन व्हाई ऐसा नहीं है। नहीं तो भी अपना खुलासा। और कांति आनंद जी साहब, आज दीपक आनंद जी का भी सत्संग था सुबह में, तो सुबह अच्छा, में अच्छा। सत्संग में बात आया पुत्कल ट्रांसप्लांट हो, पुत्कल ट्रांसप्लांट ट्रांसपेरेंट हाँ ट्रांसपेरेंट। आप ही समझाइए, आप ही समझाइए स्वामी जी। ये बात क्या हुई थी कि दादा भगवान ने अपने सारे शरीर के पुद्गल के टोटल उनकी मालिकी भाव से मुक्त हो गए थे, इसीलिए उन्होंने कहा कि हमारा पुद्गल ट्रांसपेरेंट हो गया है। हम जितने अपने पुद्गल के प्रकृति के मालिक है, ओनरशिप है, उतना हमारा पुद्गल ट्रांसपेरेंट नहीं है। हाँ करेक्ट करेक्ट सर। और वो ट्रांसपेरेंसी के कारण वे ओपन टू स्काई नो सीक्रेसी हो गया उनका। हाँ। और हमें स्वाभाविक ये नहीं हुआ है, हम मालिक है, इसीलिए किसी न किसी प्रकार की सीक्रेसी रहती है, छिपाना पड़ता है। ये बात है, लेकिन ये प्रोसेस है, धीमे धीमे जैसे हम दोष मुक्त होते जाते हैं तो फिर ये ट्रांसपेरेंसी आती है। हाँ हाँ हाँ। और उसमें ये पुत्कल ने जेटलू जो जो जाए जोया करी अपने मियो ने तो एटलू ये ट्रांसपेरेंट थतु जाए। हाँ पारदर्शक उसको बोलते हैं। हाँ पारदर्शक 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 होता जाता है। अभी क्या है है तो गलती, लेकिन अभी गलती किसको बताए, खुली नहीं कर सकते हैं तो कुछ छिपाते हैं, इतनी शक्ति नहीं आई है कि उसकी आलोचना प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान कर दे। और कुछ गलतियां तो अभी देखने की बाकी है, समझने की बाकी है कि जहां पर हमें पता ही नहीं है कि ये गलती है, इसीलिए वो नेचुरली उतनी ट्रांसपेरेंसी हमारी आती नहीं है, पारदर्शकता आती नहीं है, पारदर्शकता नहीं आती, लेकिन ये प्रोसेस में है। जितना गलती खुला करो इतना पारदर्शक। हाँ खुला करने का मतलब आलोचना प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान करना है वो खुला। हाँ जी बराबर करेक्ट करेक्ट समझ में आवी आजे आजे आ बात निकली थी। राइट छे जी आपको है टाइम 2 मिनट का। मैं वापस आता हूँ, अभी बहुत लोग दो लोग लाइन में दरवाजे पर खड़े हैं। जय सच्चिदानंद। पेशेंट को बिठा के रखना अच्छा नहीं होता ना। नहीं 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 कांति आनंद जी साहब, दीपक आनंद जी साहब, जय जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, अमी बहन, जय सच्चिदानंद, कांति आनंद जी, जय सच्चिदानंद, दीपक आनंद जी, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। स्वामी जी आज स्कूल में आज दीपक आनंद जी के सत्संग में ये बात निकली थी, तो पूरी वो शाम से लेके अभी तक वो ही अंदर गूंज रहा है कि उन्होंने बताया कि दादाजी ने किसी के घर का एक कप चाय भी पिया हो ना तो उनका उपकार वो नहीं भूलते थे ऐसा। तो इतना दिख रहा है सब वो सुनने के बाद इतना लग गया दिल में कि ये तो कितनी बड़ी बात हो गई, और जब से जन्म हुआ तब से अभी तक सबके उपकार से ही ये जीवन चल रहा है करके, और वो तो कभी कभी ख्याल में ही नहीं आया, और किसी का तो कितना सारा खा लिया है,
किसी के घर का कितना सारा हमने लिया और आज उनको ही बुलाते भी नहीं है और ऐसा हो जाता कि तो क्या हो गया, हमने भी तो सामने इतना उनको दे दिया था। ये आज बहुत खटक रहा है बात भी और ये सुनने के बाद ऐसा हो रहा है कि अभी एक ये चीज को और कैसे गहराई से समझे। नहीं, दादाजी का कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना ही है कि कोई हमें कितना भी नुकसान पहुंचाए, हानि पहुंचाए, मगर हम उन्होंने एक कप चाय हमें जो पिलाई है वो उपकार वो कभी नहीं भूलते हैं। कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है, मगर हमारी प्रकृति कैसी है, समझे? किसी ने हमें नुकसान पहुंचाया है, किसी ने हमें दुख दिया है, वो ज्यादा हम याद रखते हैं। राइट, ऐसे ही है। उपकार तो भूल जाते हैं, भूल जाते हैं। हाँ तो ये उनका इनका जीवन ऐसा था। स्वामी जी आप बताइए ना, आपके सत्संग नहीं नहीं वो तो बराबर है, आप सही बता रहे हैं। यहाँ पर बात कैसी हुई थी कि घर के लोग है ना, घर के लोगों ने तो हमारे पर कोई उपकार किया ही नहीं है ना, लेकिन उनकी कुछ कुछ ऐसी बातें होती है और हमारा दिमाग ऐसा घूम जाता है, फिर जाता है और झगड़ा कर देते हैं, तो तब हम उनका उपकार भूल जाते हैं। और जिन जिनसे हमें उपकार मिला हो उनके लिए हम कुछ बोल नहीं सकते है, क्योंकि उनके एहसान के तले हम दबे हुए हैं। हाँ, आप समझे? हाँ, ये बात है। तो फिर कैन प्यार से सब कुछ कह सकते हैं। हाँ, लेकिन दिमाग हिल जाता है वगैरह जो होता है, खास करके घर में एक दूसरे का हमें कितना एहसान नहीं होता है, है कितना उपकार होता है, और इस तरह से हम लड़ते झगड़ते रहते हैं वो सही है नहीं? हाँ, घर में तो सब एक नहीं होते, वन फैमिली, अवर फैमिली, हमारा हमारा परिवार करके बोलते हैं, तो फिर झगड़ना तो चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। तो आज वो भी दिखा कि घर के व्यक्ति का 90% उनका जो हमारे पर उपकार है वो भूल जाते हैं, और वो एक या दो चीज उनकी हमको जो ऐसी जाती है कि वो 90% का उपकार कि हमने उनकी कदर नहीं की, ऐसा हो गया ना? करेक्ट। तो ये आज भूल बहुत दिखाई दी। और एक बात ये भी बताइए कि कौन सी थी, भूल गई। चलो ठीक है, याद आएगा तो बता, पूछ ठीक है, याद आए तो बताना। शीतल, शीतल बहन। हाँ, जय सच्चिदानंद। दीपक आनंद जी, कांति आनंद जी, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हाँ, તમે હમણાં સંભાવી નિકાલની વાત કરીને, હું ગુજરાતીમાં પૂછું છું, તમે હિન્દીમાં જવાબ આપશો, આપજો। ઓકે ઓકે। હા, એટલે તમે સંભાવી નિકાલ કરવાની વાત કરી, એમાં તમે કહ્યું કે નિશ્ચય કરવાનો છે, સંભાવી નિકાલ કરવાનો, કરવા જવાનું નથી। હવે એમાં હા, એટલે એમાં આખું સાયન્સ એનું આખું સમજાવો ને, કારણ કે ઘણી વાર હું નિશ્ચય કરું કે સંભાવે નિકાલ કરવો છે, પણ પછી તોય મને એવું લાગે કે બરાબર થયું નહીં જે બન્યું તે, તો ના, એવું નહીં જોવાનું। એ તો વિથ એક્સપેક્ટેશન હો ગયા ના। હા, ફાઇલ કા સંભાવ સે નિકાલ વો વિધાઉટ એની એક્સપેક્ટેશન, વિધાઉટ એક્સપેક્ટેશન્સ। હા, ને તો આપ આપકા કેસા હે, पहले तय करते हैं कि अगर वो हाँ कह देगा, मेरे काम में हाँ कह देगा, तो निकाल हो गया, ऐसा नहीं है। समझे? बराबर। हाँ, हमें सिर्फ तय करना है, फिर बाहर जो परिणाम आता है, परिणाम में कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको भी दुख पहुंचे, या कभी आपकी बात से सामने वाले को भी दुख पहुंचे, मगर हमें भीतर क्या तय किया है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बराबर। फाइल का संभाव से निपटारा,
ये इतना साइंटिफिक वचन बल के साथ ये आज्ञा है तो उसका इफेक्ट अपनी फाइल पर और सामने वाली फाइल पर भी पड़ता है। जस्ट वो निश्चय से इफेक्ट पड़ जाता है। हाँ, निश्चय से ही पड़ जाता है। हाँ, और हाँ, कोई बार एवं पण थाय के मारो या तमे कयु जमणा के मारो पोतानो व्यवहार पण नेगेटिव होय, संभावे निकाल करवानो निश्चय होय छता पण तो ते वखते पछी प्रतिक्रमण करी लेवा जोईए। पण अंदर अंदर कोई पण प्रकारनो एक्सपेक्टेशन ना होवू जोईए एम। हाँ, ये तो बहु मोटी बात छे। कभी कभी हाँ, कभी कभी क्या होता है कि आप कुछ बात बोल रहे हैं किसी को, अगर वो आपका काम कर दे तो आप समझते हैं कि फाइल का निकाल हो गया। हाँ, आपकी बात मान ले, आपकी हाँ, बात मान ले सामने वाले तो आप समझते हैं कि फाइल का निकाल हो गया। अगर किसी हाँ, ने आपकी बात नहीं मानी हाँ, तो आप समझते हैं कि फाइल का निकाल नहीं हुआ। बराबर, ऐसा नहीं है। हाँ, हाँ, ऐसा नहीं है। हाँ, तो उसका परिणाम से कुछ लेना देना नहीं है। बराबर बराबर बराबर। हमारा हमारा भीतर जो इंटेंशन है वो इंटेंशन सिर्फ फाइल का संभाव से निपटा रहा। अब वो फाइल के साथ एक्शन क्या होगा तो कि वो दोनों का जो कर्म के ऋणानुबंध है उसी प्रकार से ही वो एक्शन होगा। और आज आप उसके कर्ता नहीं है। आज जो फाइल के साथ एक्शन हुआ, वर्तन हुआ, वो हाँ, आज की गलती नहीं है। जब कॉज डाला था वो गलती हाँ, थी, इफेक्ट गलती नहीं है। बराबर बराबर। तो कभी कभी हाँ, ask me। हाँ, के इतने निश्चय सिंसियर हो जो एकदम सिंसियर निश्चय हो जो के संभावे निकाल अने पची रिजल्ट नो एक्सपेक्टेशन ना हो त्यां आगर ना हो जी जी आवे जी हाँ, आवे जो भी आए बराबर। हाँ, अने तमे हमने हमने कहियो के अब अत्यारे जे थाय छे भूलते पाछळनी भूलनो परिणाम छे। ભૂલો દેખાય આપણને આપની આપણી રાઈટ, તો ત્યાં આગળ પછી દેખાય પ્રતિક્રમણ કી બાત બાદ મેં આતી હૈ, પહેલે આજ્ઞા કો સમજે। આજ્ઞા की समझ जब सही भीतर नहीं रहती है, वो स्टेप हम चुक जाते हैं, तो फिर प्रतिक्रमण का एक स्टेप नीचे उतरते हैं। तो मूड मूड पांच वो मूड आज्ञा है वो पहले है। हाँ हाँ, मेन पांच आज्ञा है। बराबर बराबर। आप किसी को भी दुख नहीं देते हैं और कोई आपको भी दुख नहीं देता है, मगर जब किसी की मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, कभी आपकी भी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, तब आपको निमित्त दोषित दिखाई देता है। हाँ बराबर। हाँ, आप दुख नहीं देते हैं या कोई आपको भी दुख नहीं देता है, आपने जो भीतर तय किया है ऐसा सामने वाला नहीं करता है, इसलिए आपको दुख होता है। हाँ बराबर, समझे ठीक। हाँ, उसी प्रकार आपको कोई काम सौंपता है, आप नहीं करते हैं तो उसको दुख होता है। बराबर। मगर ऐसे कौन से संयोग है जिसकी वजह से यह कार्य नहीं हो पा रहा है, उसको समझना है। हाँ, ओनली साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस। हाँ
जॉब पर भी कभी ऐसा होता है, हमारे जो साथ काम करने वाले हैं कुछ काम हम उनको देते हैं वो नहीं हो पाता है, समझे? तो सबसे पहले ये व्यवस्थित है ऐसा समझना है, फिर फाइल का संभाव से निपटारा, ऐसे कौन से संयोग उनके साथ आया तब ये नहीं हो पाया या कम हो पाया, उसको समझना है हमें। बराबर। हाँ, हम फाइल का संभाव से निपटारा वो तय नहीं करते, हमारे फेवर का हो जाए वो हम तय करते हैं कि मैं उसको इस तरह समझा दूंगा ना तो वो हाँ कह देगा। ऐसा हमारे भीतर शतरंज की चाल चलती है। बराबर। एटले मने एम थयु के अपने पोतानी भूलो जोवानी पण मूड ए वस्तु बराबर छे, पण मूड पहला आज्ञा छे ए तमे कयो ने अत्यारे ते मने समझायु मारा मा भूल क्यां थाय छे त्यारे के आज्ञा मुख्य छे। એટલે દરેક વ્યવહારમાં ત્યાં આજ્ઞાનો પહેલા ઉપયોગ કરવાનો છે, પછી આજ્ઞા ચૂકાઈ જાય ત્યારે પ્રતિક્રમણ, ત્યારે પ્રતિક્રમણ કરવાનું છે। અને વો વો ફાઇલ હે ના વો હમે ઉસકે સાથ કૈસા ભી ડીલિંગ હુઆ વો કાંટે કી તરહ ચુભેગી। હા હમારે અંદર, હા વો ફાઇલ કાંટે કી તરહ ચુભેગી, बार बार याद आएगी। हाँ ऐसा ही होता है। होता है तो तब प्रतिक्रमण करना है। आता है। बराबर। हाँ। बराबर। और दूसरी बात कांतियानंद जी, आपने तो कह दिया कि आप मने दुख थाय छे ते मने बीजू कोई दुख आपतु नथी अने मारथी बीजा ने दुख अपाई जाय छे ते पण हूँ आपती नथी, एटले बेव रीत नु तार એ મને જરાક હાર્ડ પડે છે, એ કેવી રીતના લાઈક મારાથી એવી રીતના કેવી રીતના કહી દેવાય કે મારાથી દુઃખ ના નથી પહોંચ્યું, લાઈક આઈ ડોન્ટ નો, મને નથી સમજણ પડતી એ। દેખીએ વૈસે હરેક મહાત્મા કી યહ ભીતર ભાવના હોતી હૈ કે પ્રાપ્ત મન વચન કાયા સે ઇસ જગત કે कोई भी जीव को किंचित मात्र भी दुख न हो। यह हमारा भीतरी भाव है, मगर दुख न हो ऐसा हमें क्रिया में करने जाने का नहीं है। करने जाते हैं इसलिए ये प्रॉब्लम हो जाता है। करने जाते हैं, समझे? 100% में। हाँ, क्योंकि कई फाइलों के साथ हमारे ऐसे कर्म के ऋणानुबंध है, आप कितना भी अच्छा उसके साथ डीलिंग करेंगे फिर भी उसको दुख होगा, क्या करेंगे हम? कभी कभी ऐसा भी होता है। हाँ, हमारे भाव में नहीं है। हाँ, हमारा इंटेंशन दुख देने का नहीं है। हाँ, फिर भी हो जाता है। नहीं, मुझे भी हो मुझे... जाता है। और सामने वाली फाइल का भी आपको दुख देने का इंटेंशन नहीं है, फिर भी आपको हो जाता है। बराबर। ना तमे कयो ने हूं करवा जवानू नथी, ए हूं करवा जवानू, ना करवा जवानू नथी, आ खाली दैट अंडरस्टैंडिंग छे आ कि जे जो फाइल के साथ हमारे जो भी कर्म के ऋणानुबंध है वो हमें पूरा करना है, बैलेंस क्लियर करना है, अकाउंट क्लोज करना है। बराबर। ये संभव अकाउंट राग द्वेष का है, क्या है? डॉलर का नहीं है। डॉलर का अकाउंट तो समझ में आ जाता है। बराबर। मगर ये राग द्वेष का है। फाइल मतलब क्या? राग द्वेष। और संभाव मतलब क्या? अब राग से भी छुटकारा पाने का है,
द्वेष से भी छुटकारा पाना है, वो संभव है, वो संभव है। और वो संभव रखने का नहीं है, तय करने का है। वो मेन बात आती है, तय करने का है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और वहां ही सिंसियरिटी है ना, वो डिसीजन में, वो निश्चय में से। सिंसियरिटी है, इसीलिए अगर हमारे एक्शन से दुख हो गया तो अपने आप प्रतिक्रमण हो जाएगा, या हम भीतर गिल्टी फील करेंगे कि दिस इज नॉट गुड है। राइट। बहुत सरस। जय सच्चिदानंद। राकेश भाई, जय सच्चिदानंद। कांति आनंद, जय सच्चिदानंद। हाँ, एक पूछू तो के द्वारकेश तो केवु थाय के घर ना काम होय ने अमुक, तो एटले एवु थाय के आ बेनो ना काम करवा पड़े छे, એટલે કઈક કામ વાસણ ધોવાનું એવું કઈક હોય તો કરી લે, પણ અંદર થી એમ થાય કે સંભાવ ન રહે એમ, એટલે એમ થાય કે યુ નો, એટલે ઈ આમ આમ કરી લે, કારણ કે ન કરે તો બાર છે તે શું કહેવાય, ઓલું તકલીફ થાય એમ, પણ છે તે અંદર થી સંભાવ ન રહે એમ, એટલે આપ મને જરા સમજાવો। नहीं, ये संभाव रखने की बात नहीं है। आप नहीं, हम भी बर्तन धोते हैं, कपड़े धोते हैं, सब हमें क्यों करना पड़ता है, फाइल का निपटारा करते हैं हम। हम बर्तन नहीं धोते हैं, कपड़े नहीं धोते हैं, फाइल का संभाव से निपटारा करते हैं, समझे। और किसी का भी घर है, समझे, घर में दो आदमी है, तीन आदमी है, तो एक दूसरे को, एक दूसरे से थोड़ा बहुत एडजस्ट करना ही पड़ता है, समझे। तो हमारे ख्याल में क्या है कि बर्तन धोते नहीं, बर्तन नहीं धोते, फाइल का संभाव से निपटारा करते हैं, तो बर्तन धोने में भी आनंद आएगा। हाँ, बराबर। हाँ, समझे, फाइल का संभाव से निपटा रहा, और बर्तन धोने से हमारा निश्चय चला नहीं जाता है। कांतियानंद जी, चला नहीं जाता है। कांतियानंद जी, बॉस ने कुछ काम सौंपा ना तो ईगो हर्ट नहीं होता है, लेकिन जब घर में ऐसा कुछ बोल दिया कि ये थोड़ा बर्तन साफ कर दो या वॉशिंग मशीन देख लो, तो ईगो हर्ट होता है, ऐसा कह सकते हैं? नहीं, ईगो हर्ट होने की बात ही नहीं है ना, वो पार्टनर है आपके। नहीं नहीं, लेकिन ऐसा होता है, मेरा काम नहीं है तो मुझे क्यों देते हैं, लेकिन बॉस ने अगर बाड़ा चढ़ा के कुछ काम दे दिया। काम देखेंगे तो नहीं होगा, फाइल को देखना पड़ेगा। ये वंडरफुल, व्हाट अ विजन, वेरी गुड। राकेश भाई, काम, हाँ, क्या लागे? काम छोटा है, बहुत अच्छा बता दिया। हाँ, काम छोटा बड़ा नहीं है, ये घर का काम है। हाँ, समझे, बराबर। बाहर बाहर का क्यों करते हैं, हमें रिस्पेक्ट मिलता है इसलिए करते हैं। बराबर। हाँ, कंदियाना जी, क्विक एक शॉर्ट संजोग बताता हूँ कि बताएं। एक महात्मा के घर पर गया था, उनके 5 साल का बच्चा है, वो खाना खा रहा था, और वो कुरमुरे होते ना वो खाते थे, तो थोड़ा पंखे से वो उड़ के नीचे गिरे, कुछ टेबल पर गिरे, वो टी टेबल पर गिरे, और कुछ नीचे फर्श पर गिरे, यानी कारपेट पर गिरे। तो मम्मी ने बोला, नहीं पापा ने बोला, ये सब क्या किया आपने, उठा लो। तो उसने टेबल पर से सब कुछ ले लिया जो बिखरा हुआ पड़ा था, वो नीचे जो गिरा था ना, बोलता वो मैं नहीं लूंगा। बोला क्यों? वो मम्मी लेंगी। वैक्यूम करते हैं, वो बोलते वो मेरा काम नहीं है, वो मम्मी करेगी।
लेकिन टेबल का बिल्कुल उठा लिया उसने। ये ऐसा एक साइकोलॉजी देखनी है कैसी मान्यता बन जाती है, क्योंकि नीचे का मम्मी कोई और उठाता ही नहीं है वो, और ज्यादा करके घर पर वो मम्मी वैक्यूम करते हैं ना ऐसा करके, ये तो एक बात है ऐसा। ओके डॉक्टर भाई ये बोलिए, वर्क का क्लासिफिकेशन हुआ है वो एक नॉर्मल बात है कि भाई ये काम ये करते हैं, ये काम मेरा है ये काम, अगर दूसरे का काम भी हम करेंगे ना अपने पास टाइम है तो समझे, तो वो सामने वाले का हृदय परिवर्तन हो जाता है। राइट राइट, हमारा देखकर फिर वो हमारा काम में भी हेल्प कराएंगे अगर हम फ्री हो गए हैं तो। बराबर हाँ, इसलिए एक नॉर्मली है ये क्लासिफिकेशन काम का, मगर ये अपने घर का काम है ऐसी समझ रखने की है। बराबर समझे, ये वाइफ का काम है, ये डॉटर का काम है, ये डैडी का काम है, ये एक बराबर। कंतियानंद जी लास्ट टाइम इज गोट शुड कम बैक। राकेश भाई क्लियर? हाँ वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा बताया, वेरी गुड विजन। वो आ जाएंगे। ओके यस कम नंदी। हाँ जी हाँ ओके फाइन द्वारकेश भाई क्लियर? जय सच्चिदानंद। हाँ ओके अभी बहन बताएं। हाँ स्वामी जी जय सच्चिदानंद। आज ये भी बात सत्संग में हुई थी कि हमको जो ये अक्रम विज्ञान मिला है तो ये कितना भी बड़ा नेगेटिव संजोग आता है या नेगेटिव विचार भी आता है ना, तो पॉजिटिव लाने में तुरंत ये इतना मदद करता है कि आश्चर्य होता है कि इतना ये ऐसे नेगेटिव संजोग या विचारों में कितने दिन कितने समय चला जाता था, और अभी पॉजिटिव आने में कभी आ जाते हैं वो भी नहीं पता चलता है कि एक ज्ञान कैसे काम कर रहा है। तो ये बच्चे की ये अपने आप ही आ जाते हैं यहाँ पे, ये अंदर अपने को प्रज्ञा शक्ति करवा देती है, तुरंत पॉजिटिव में लेके आती है। हाँ। क्योंकि वो अगर नेगेटिव में चले जाते तो जो निराकुलता होती है आनंद वो पता चलता है कि हम कहीं डूब रहे हैं। कोई भी संयोग जो है या कोई भी फाइल है वो पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं होती है। हम किस दृष्टि से देखते हैं और समझ से है उसके आधार पर हमारा पर इफेक्ट है। बराबर है। हाँ वितरागों की दृष्टि में तो नेगेटिव पॉजिटिव है ही नहीं है ही नहीं। हाँ देखिए हम जो फिर भी हर एक की प्रकृति तो अलग अलग रहेगी। हाँ वो प्रकृति है, मगर हमें कहाँ ठहरना है तो कि रियल व्यू पॉइंट से वो भी शुद्धात्मा है, जब यह दृष्टि फंक्शन में आएगी तो सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। हाँ बराबर है। हाँ तो ये अनुभव हुआ होता है ना, इसीलिए और भी आश्चर्य होता है कि ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं है। हाँ ये साइंस ही आश्चर्य है। कि इतने बड़े झगड़े होते हैं और तुरंत नॉर्मल में होके चलो आइए खाना खाइए, चलो खाना खाने बैठते हैं, तो ऐसा तो इतनी जल्दी भूल कैसे गए हम अंदर से कि हमने खुद को भी माफ कर दिया और सामने वाले को भी माफ कर दिया, ऐसा हो गया। हाँ
ऐसा तो ये आज सत्संग में भी दीपक आनंद जी के सत्संग में शायद था पता नहीं, तो ये बात निकली थी कि हमको ये कितना आश्चर्य वाला अक्रम विज्ञान प्राप्त हुआ है कि बड़े बड़े नेगेटिव में से पॉजिटिव में हम आ सकते हैं जल्दी से आता है जल्दी से विद अ फ्लिप ऑफ अ कार्ड। यस यस करेक्ट। जय सच्चिदानंद, हमारा समय हो चुका है अब। हाँ जी हमारा समय हो चुका है अभी। कांतियानंद जी आपका ओरिएंटेशन थोड़ा टेढ़ा हो गया है, जरा आप सीधा कर दो ना आपका ओरिएंटेशन व्यू। हाँ हाँ मगर अब कैसे उसको जरा घुमा दो, कैसे करना है ये हो गया सीधा हो गया। हाँ फिर से जाओ। अरे आप भी जादू करते हो। ओके दिस इज फाइन। अब ये सारे हफ्ते में हमने एक प्रयोग रखा, दादा भगवान ने 1987 में अलगपन का सेपरेशन का एक सूत्र या एक प्रयोग बताया था, वो मैं स्क्रीन पर लाता हूँ, वो जरा हम देख लेते हैं पहले। वंडरफुल। अच्छा देखो ये, और ये अक्रम विज्ञान 1987 अक्टूबर नवंबर उसमें आया था, पेज नंबर 19 पर है। यह मूल बात दादा जी की आई थी। हे शुद्धात्मा भगवान, तुम्हें जुदा जो आप अलग हो, या नीरुबेन के लिए बताया था, नीरुमा के लिए तो हमें चंदूलाल बता देना है, ताकि जो कॉमन पार्लेंस नामधारी के लिए बताते हैं। हे शुद्धात्मा भगवान आप अलग हो, चंदूलाल अलग है। हे शुद्धात्मा भगवान आप रियल हो, चंदूलाल रिलेटिव है। हे शुद्धात्मा भगवान चंदूलाल परमानेंट, हे शुद्धात्मा भगवान आप परमानेंट हो, चंदूलाल टेम्पररी है। और ये आगे की बात हमें नहीं मिली थी, लेकिन ये अक्रम विज्ञान देखा तो उसमें आया, चंदूलाल क्या करते हैं उनको मैं देखता हूँ जानता हूँ। तो इसके ऊपर ये सारे हफ्ते सारे दिन में प्रयोग रखा रखने को बताया था कि जब फ्री टाइम मिले तो इसका प्रयोग रखे ये तीन वाक्यों का। और तभी तो हमने ये चौथा पता नहीं था, लेकिन आज वो मिल गया तो हम आज वो भी रखेंगे। ठीक है तो उसका सामायिक करेंगे 10 मिनट सामूहिक सब साथ में। ओके एक मिनट। हाँ ओके मैं बुलाता हूँ आप फॉलो करिएगा। हाँ हे दादा भगवान, हे दादा भगवान, हे श्री सिमंदर स्वामी प्रभु, हे श्री सिमंदर स्वामी प्रभु, हमें शुद्ध उपयोग पूर्वक, हमें शुद्ध उपयोग पूर्वक अलगपन का, अलगपन का, सेपरेशन का, सेपरेशन का सामायिक करने की, सामायिक करने की परम शक्ति दे, परम शक्ति दे इस सामायिक दरमियान, ये सामायिक दरमियान हम इन वाक्यों का, इन वाक्यों का उपयोग करेंगे, उपयोग करेंगे, दोहराएंगे, दोहराएंगे। हे शुद्धात्मा भगवान, हे शुद्धात्मा भगवान आप अलग हो, आप अलग हो, चंदूलाल अलग है। आप आपका नाम बोलिए स्वामी जी। हाँ अच्छा मैं मेरा नाम बोलता हूँ, दीपक आनंद अलग है। हाँ दीप कांति आनंद जी अलग है। हे शुद्धात्मा भगवान, हे शुद्धात्मा भगवान आप अलग हो, आप अलग हो, दीपक आनंद अलग है, कांति आनंद जी अलग है। हे शुद्धात्मा भगवान, हे शुद्धात्मा भगवान आप रियल हो, आप रियल हो, दीपक आनंद रिलेटिव है, कांति आनंद जी रिलेटिव है। हे शुद्धात्मा भगवान, हे शुद्धात्मा भगवान आप परमानेंट हो, आप परमानेंट हो, दीपक आनंद टेम्पररी है,
शांति आनंद जी टेम्पररी है। दीपक आनंद क्या करते हैं? कांति आनंद जी क्या करते हैं? उनको मैं देखता हूँ, उनको मैं देखता हूँ और जानता हूँ, और जानता हूँ मैं शुद्ध आत्मा हूँ, 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 मैं शुद्ध आत्मा हूँ। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। 10 मिनट्स के लिए देखेंगे हम और ये दोहराएंगे। जय सच्चिदानंद।
जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। दादाजी ने ऐसा बताया है कि अपना नाम लेके सर से बोलने से एक ऊंचा गहरा चिंतन होता है और धीमे धीमे ये चिंतन का परिणाम निधि ध्यान होता है और अलगपन का पक्का स्पष्ट अनुभव होता है। जय सच्चिदानंद। देखते हैं भारती बहन क्या कहते हैं। भारती बहन बताए अपना अनुभव। जय सच्चिदानंद। बोली करेक्ट, वो उसको होने दो, फिर जब स्पष्टता हो तो हमें बताना। वेरी गुड। जय सच्चिदानंद। बताएं, इफ यू कैन स्पीक इन हिंदी फाइन, अदरवाइज गुजराती चलेगा। हाँ, जय सच्चिदानंद, गुजराती में बोलीस। बस आ त्रण वाक्यो बहु सरस दिवस दरमियान मारे छे। घणी खरी क्रियाओ थती होय त्यारे लाइक पानी गरम आव्यू के ठंडू आव्यू ए पण जुदू लाग्यू के आ कीर्ति ने गरम लाग्यू बॉडी ने सेंसेशन जुदा लाग्या। खाती वखते ख्याल आव्यो के आमा मेथी नो थेपलू बनायेलू एमा मेथी नो कड़क कड़वो टेस्ट जुदो लाग्यो। सॉल्ट ओछू हतू वधारे हतू ए पण बहु ख्याल आव्यो एटले एवू लाग्यू के आ जुदा छे एम। અને બીજું ક્રિયાઓ કરતી વખતે ઉતાવળમાં સહેજ યુ નો એક સ્ટેપ ભૂલી ગયા એટલે મને થયું કહો આ કીર્તિબેનની આ ઉતાવળને લીધે, એટલે એ રીતના છૂટાપણું બહુ અનુભવાય છે કે લાઈક ક્રિયા કરતા હોય, વિધિ કરતા હોય, વાંચતા હોય ત્યારે એ બધી ક્રિયાઓમાં આ કીર્તિ કરી રહી છે એમ અંદર, અને જ્યારે આત્માના ગુણો તો બહુ સરસ રીતના અંદર આવી જાય છે, બહુ આમ આનંદ આપી જાય છે અંદર કે ઓ ધેટ્સ ધેટ્સ વોટ આઈ એમ, એ હું છું, એ હું છું, એ હું છું, એ બહુ આમ સ્પષ્ટ સંભળાય છે બેકગ્રાઉન્ડમાં. વેરી ગુડ. અને ધેટ્સ અનુભવ થયો. વેરી ગુડ. અમીબેન. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. દીપકાજી, આજે એવું થયું ને કે આખો જે શેડ્યુલ એટલું ઘરનું વાત કરી શકતે હિન્દી મેં બતાએંગે. हाँ, तो आज कैसा हो गया कि घर में इतना पूरा दिन शेड्यूल इतना टाइट था, घर में काम में से फुर्सत ही नहीं मिल रही थी, तो ऐसा घोटने कर दिया कि जितनी बार वॉशरूम में जाएंगे ना तो वॉशरूम में 10 मिनट बैठ के उधर एकदम एकांत महसूस हो रहा था, तो उधर ही आज 15-15, 20-20 बार वो वाक्य को आराधना किया और उधर ही किया, तो ये सही है ऐसे जगह पे भी मतलब 15 मिनट बैठ के वो निधि ध्यान हुआ वो उसका। देखो ये क्या है, हमें जब ये समर्पण विधि बुलाते हैं तब आहारी आहार करता है, विहारी विहार करता है, निहारी निहार करता है, मैं निराहारी शुद्धात्मा, निर्विहारी शुद्धात्मा, निर्निहारी शुद्धात्मा मात्र उनको जानता हूँ, तो दृष्टि मिली है उन्हें, कोई पुद्गल क्रिया अपने स्वभाव में रहने के लिए रोक नहीं सकती। पुद्गल क्रिया आहारी विहारी निहारी वो पुद्गल क्रिया है और शुद्धात्मा की ज्ञान क्रिया जो है वो निर्विहारी है, निराहारी है, निर्निहारी है, तो ये बात है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा होता था ना कि नहीं जाना होता था ना तो भी उधर ही जाके 10 मिनट निकाल देती थी कि भाई उस बहाने उधर बैठेंगे, कुछ नई क्रिया है तो भी बैठना है अंदर, और ये है क्योंकि बाहर निकल जाऊं ना तो सब काम ही दिख रहा था घर पे, तो बता ये एक ही जगह है जहाँ पे बहुत शांति है। नहीं, बात सही है, बात सही है। हाँ, बिल्कुल इसी के जिन्होंने उसे सोचा लई करके बताया है, वैसा कोई बात करेंगे तो उसे
अशुभ या ये बात नहीं करनी ऐसा करके बताया जाता है, लेकिन यहाँ ज्ञान दृष्टि वाले इसे किस तरह से पॉजिटिव और उसको एक अपने उपयोग में ले लेते हैं। जय सच्चिदानंद, वेरी गुड। राजेश भाई बताएं। हाँ, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। बाह्य रूपी पुद्गल, भीतरी रूपी पुद्गल और अरूपी पुद्गल, और मैं जो शुद्धात्मा। अरूपी पुद्गल होता नहीं है, जीव भाग जाने कही। क्या बताया? जीव भाग। हाँ, जीव भाग, जीव भाग वो पुद्गल नहीं है। जीव पुद्गल नथी? नहीं। क्या मैं एनी अंदर में पूरण गलन था ही ने मन बुद्धि चित अहंकार में होमवर्क करके आइए। अच्छा अच्छा, हवे आपड़े न थाय बराबर, आपड़े न थाय खाली गलन। हाँ, पूरण गलन होता है वो सब रूपी है, उद्गल में पूरण गलन होता है, ये बेसिक में कैसे गलती हो गई? थोड़ा सोच के स्वाध्याय करके ठीक कर लो। हाँ, आप तो बड़े पक्के हैं। नहीं, मन बुद्धि चित अहंकार के अंदर में जो गलन हो रहा है वो भी तो। अरे, जो उद्गल पूरण गलन होता है वहां ज्ञान क्रिया है ही नहीं। हाँ, और उद्गल है, उद्गल है वो रूपी ही है, फिर रूपी कैसे हो गया? अच्छा, वो मन दिखता है इसलिए रूपी हुआ। ऐसा है ना, शुद्धात्मा की सभा बुला के इसकी स्पष्टीकरण कर दो, फिर हम फिर से बात करेंगे। ठीक है। जय सच्चिदानंद। वो बीच वाले स्टेशन में ऐसा हो सकता है, वो गलत नहीं है। हाँ, लेकिन उनका इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं हुआ है अभी। ठीक है। हाँ, जय सच्चिदानंद। कांतियाना जी शायद डिस्कनेक्ट हो गए, लेट मी सी है कि नहीं, वो नहीं है। मैं त्रिमंत्र बुलाता हूँ, आप सब फॉलो करेगा। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंतानम, नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो आयरियानम, नमो वज्जायानम, नमो नमो लोए सव साहुणम, नमो लोए सव साहुणम, एषो पञ्चनमुक्कारो, एषो पञ्चनमुक्कारो, सव पाव प्रणाशनो, सव पाव प्रणाशनो, मंगलानं च सवेसिं, मंगलानं सवेसिं, परमं हवै मंगलं, परमं हवै मंगलं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। कल का प्रोग्राम, कल 24 अक्टूबर और रविवार है, सुबह 6 बजे प्रातःविधि। सारे दिन में यहाँ केलन सॉरी यहाँ आर्यन सेठ विद्यालय बम्बई में जो प्रोग्राम है वो 10 बजे से शुरू होगा। आधा घंटा कॉमन है, वो हम डिले नहीं करते क्योंकि उसमें सब प्रोग्राम की डिस्क्रिप्शन होती है ज्यादा करके। लेकिन क्लास सत्संग जो है जो 11:15 से शुरू होता है सुबह के 2 और 2 से 3 कीर्तन भक्ति और वितराग आराधना हुआ, और शाम के 2:30 बजे से जो होता है वह 5:30 बजे तक, और 5 से 6:30 कविराज श्री के पुण्यतिथि के संबंध में जो प्रोग्राम रखा है
वो हम सेपरेट यूट्यूब के लिंक पर बताएंगे, उसका लाभ लीजिएगा। रात को 9 बजे वर्ल्डवाइड सत्संग होगा और वीक का ये आखिर का यह सामायिक होगा अलगपन का, वो हम सब साथ में मिलकर करेंगे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।